शुरू करें। आप सबका आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भाई को दिल्ली में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। भाजपा गोपाल इटालिया से बेहद नफरत करती है। रोजाना उनका एक फर्जी वीडियो जारी कर निराधार आरोप उन पर लगाती है, निराधार एफआईआर पर्चे कंप्लेंट्स उनके खिलाफ करती है, न जाने कौन से अपराध का बदला उनसे लेना चाहती है। और आज अंततः उन्होंने दिल्ली बुलाकर अपनी एजेंसियों से, अपनी पुलिस से, भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल इटालिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के समाज से आते हैं। गोपाल इटालिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हैं, उस सरदार पटेल के वंशज हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों की हुकूमत से, अंग्रेजों की जोर जबरदस्ती से, अंग्रेजों के उत्पीड़न से नहीं डरे और मजबूती से अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया। उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज गोपाल इटालिया भारतीय जनता पार्टी की जेल से नहीं डरते। जेल तो छोड़ो, अगर भाजपा आज गोपाल इटालिया को फांसी भी लगाना चाहे तो वो फांसी का फंदा भी हंसते हंसते चूमकर फांसी पर चढ़ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज बीजेपी से कि हमारे भाई प्रदेश अध्यक्ष गुजरात आम आदमी पार्टी गोपाल इटालिया का गुनाह क्या है, क्या जुर्म है उनका, क्या उनका यह अपराध है कि वो पाटीदार समाज से आते हैं, क्या उनका यह अपराध है कि वो पाटीदार समाज के युवा नेता के तौर पर गुजरात में उभर रहे हैं, क्या उनका यह अपराध है कि वो पाटीदार समाज की बात उठाते रहे हैं, क्या उनका यह अपराध है कि वो भाजपा से बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नशीले पदार्थ जो गुजरात के हर गली मोहल्ले कूचे में बिक रहे हैं उस पर, नजायज शराब के व्यापार पर भाजपा की सरकार से सवाल करते हैं, क्या यह अपराध है गोपाल इटालिया? आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पटेल समाज से, पूरे पाटीदार समाज से बदला लेने के लिए लगी हुई है। और आज यह अरेस्ट केवल एक आम आदमी पार्टी के नेता का नहीं है, यह अपमान है पूरे पाटीदार समाज का। हमें लगातार पूरे गुजरात से फोन आ रहे हैं, लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है इस अरेस्ट को लेकर। गुजरात के लोग इस अरेस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि NCW ने, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, जब से NCW की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक कोई एक भी शख्स को गिरफ्तार किया? कोई एक भी शख्स को? कोई एक भी उदाहरण है? यह साफ तौर पे यह अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी का डर, उनका खौफ आम आदमी पार्टी के प्रति जो है वो दर्शाता है। और भाजपा का असली चेहरा, पाटीदार समाज के बारे में उनकी क्या भावना है, उसे साफ करता है। आज आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कहना चाहती है कि एक गरीब परिवार से, एक बहुत ही मामूली से, साधारण से परिवार से आने वाले एक युवा नेता जो राजनीति में अपना एक नाम बना रहे थे, राजनीति में अपने लिए जगह बना रहे थे, अपने समाज की, गुजरात के आम आदमी आम औरत की रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, बिजली की, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उन मुद्दों को उठा रहे थे, आज एक गरीब सामान्य साधारण से सीधे से पाटीदार परिवार के एक बेटा जो राजनीति में अपने लिए एक जगह बना रहा है, मुकाम बना रहा है, उसे रोकने के लिए गोपाल इटालिया को अरेस्ट किया गया। यह अरेस्ट एक नेता का नहीं है, यह अरेस्ट
एक समाज पे प्रहार है, ये अरेस्ट आम आदमी पार्टी के को लेकर, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी का खौफ और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखलाता है। ये आम आदमी पार्टी साफ तौर पे आज कहना चाहती है, और इस अरेस्ट के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं भाजपा को कि एक गोपाल इटालिया नहीं, आप 1,00,000 गोपाल इटालिया को अरेस्ट कर लो। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है, इस अहंकारी सरकार को, इस 27 साल पुराने गुजरात के अहंकारी शासन को उखाड़ फेंकने का और जनता का राज लाने का, आम आदमी का राज लाने का लोगों ने मन बना लिया है। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से अपने साथी, अपने भाई गोपाल भाई इटालिया के साथ पूरी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस जंग में लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ना गोपाल इटालिया डरेंगे, ना गोपाल इटालिया झुकेंगे। जद्दा जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि पाटीदार है इसलिए उसकी धरपकड़ हो रही है और भाजपा ये कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के जो आपके जो नेता है गोपाल इटालिया, जो पाटीदार नहीं होते तो दूसरे कोई नेता नहीं करते। आज से कुछ साल पहले गुजरात में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, एक ऐसा आंदोलन हुआ पाटीदार आंदोलन, जिसने इस अहंकारी मजबूत भाजपा, प्रचंड ताकत वाली भाजपा सरकार को घुटनों के बल आने पे मजबूर कर दिया, भाजपा की रीढ़ की हड्डी पे प्रहार किया। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पाटीदार आंदोलन का बदला ले रही है, ऐसा प्रतीत होता है। हमें पूरे गुजरात से फोन आ रहे हैं, जगह जगह से लोग फोन कर कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, हम बहुत आहत हैं, हम गुस्सा हैं, हमारे में रोष है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस अरेस्ट को लेकर बहुत रोष। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, अब चंद दिन बचे हैं, आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। जैसे कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भाजपा का विनाश, गुजरात की सत्ता से उनका हटना लगभग तय है, इसीलिए उनकी बुद्धि और उनका चाल चरित्र चरण सब विपरीत हो गया है, सब उल्टा हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस 27 साल की अहंकारी सरकार पर लागू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।